प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में अभिधा शब्द सत्य की परिभाषा, यौन उनके भेद की जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। अभिधा शब्द का पहला प्रकार है जो शब्दों की शब्दकोशी अर्थ का बोध कराती है। इसमें किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे सिर पर चढ़ना का अर्थ किसी चीज को किसी स्थान से उठाकर सिर पर रखना होगा। साक्षात सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने व मुख्यार्थ या वाचा शब्द सत अभिधा शब्द सत कहलाता है, यानी प्रकट करने वाली शब्द सत अभिधा शब्द सत कहलाती है। इसमें प्रथमा यौम अग्रिमा शब्द भी कहते हैं। मुख्यार्थ की बोधिका होने के अतिरिक्त यह शब्द पद और पदार्थ के पारस्परिक संबंध का भी ज्ञान कराती है, जैसे गाय दूध देती है, मोहन पड़ता है। नंबर एक, जब किसी पद में यमक अलंकार की प्राप्ति होती है तो वहां प्रायः अभिधा शब्द शक्त होती है। नंबर दो, कभी कभी उत्प्रेक्षा अलंकार के पदों में भी उनका मुख्य अर्थ प्रकट होता है, अतः अभिधा शक्त होती है सदैव नहीं। इस अलंकार के पदों में भी प्रायः अभिधा शक्त होती है। अभिधा शब्द सत्य की भेद, अभिधा शब्द सत्य के तीन भेद होते हैं। नंबर एक रूढ़, नंबर दो यौगिक, नंबर तीन योग रूढ़। नंबर एक रूढ़, जब शब्द समुदाय रूप में अर्थ का बोध कराए तो रूढ़ होगी। इसमें शब्द के एक ही अर्थ का बोध होता है, जैसे पौधा। नंबर दो यौगिक, इसमें शब्द के अवयव से उसके अर्थ का बोध होता है, अवयव ही शब्द का सही अर्थ जानने में सहायक होते हैं, जैसे भूपत इसमें भूकार पृथ्वी होगा तथा पतिकार स्वामी होगा। किन इन अवयवों को मिला देने से भूपतिकार राजा जा। नंबर तीन योग जब किसी शब्द का उसके समूह की सहायता से प्राप्त तथा वह शब्द उसी अर्थ के लिए रूढ़ हो चुका होगा, वहां अभिधा की योग रूढ़ शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे दशाना शब्द दस सिर वाले रावण के लिए रूढ़ हो चुका होगा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।